जब जब कोई कोई भी किसी भी जगह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, कोई अपने सीने में पाकिस्तान का झंडा सजाता है, गोल्ड मेडल सजाता है, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। तो यकीन करें, पाकिस्तान के लिए तो एज़ाज़ है ही फैसल, हमारे अपने लिए बड़ा एज़ाज़ होता है, हमारे अपने लिए बड़ी खुशी की बात होती है। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमारे भाई हैं, हमारे जवान हैं। ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल आप देख सकते हैं पैरालंपिक्स में, पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। हैदर ने ये गोल्ड पाकिस्तान के लिए डिस्कस थ्रो में जीता है और क्या ही फख्र की बात है। अभी कुछ ही देर में वो सेरेमनी भी होगी कि जहां पे पहले पोडियम पे हैदर अली होंगे और इसके बाद पाकिस्तान का जी झंडा बैकग्राउंड में बुलंद हो रहा होगा, तराना बज रहा होगा और हैदर को जो है वो गोल्ड मेडल दिया जा रहा होगा। इससे पहले भी हैदर हैज़ बैग्ड टू मेडल्स, लेकिन ये पहला गोल्ड मेडल है। डिस्कस थ्रो मुकाबले में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और समय नहीं, दो दिन तीन दिन पहले हैदर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हमने उनको हिस्सा बनाया था और क्या ही अच्छी बात है। ये कितने फख्र की बात है, बिल्कुल क्यों नहीं मंगाएंगे, ये हमारी पहचान है। झंडा चाहूंगा कि आप, यस ये हमारी झंडा हमारी पहचान है और हम इसको अगर यू नो कर देते हैं। हम खुश इतने हैं माशाल्लाह से, एक्साइटमेंट इतनी है, सुबह के वक्त इतनी अच्छी और मज़ेदार खबर, इससे ज़्यादा अच्छी काबिल फ़ख्र के जो हमें बिल्कुल ये महसूस करने पर जो है ना मजबूर कर दे कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अंदर किसी से कम जज्बा नहीं है, हमारे अंदर टैलेंट कम नहीं है, हम हर जगह पे इस चीज़ को मनवा सकते हैं कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। तो जनाब झंडा, और ये झंडा फैसल जब सीने पर सजता है, बैकग्राउंड में ये झंडा हो, म्यूज़िक जब बजे पाकिस्तान का, तो यकीन करें एक वो प्राउड मोमेंट होता है ना कि यार मेरी वजह से मेरे मुल्क का नाम रोशन हुआ है, मेरी वजह से अब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। मेरी वजह से सब हिलाली जो परचम है ना, ये आज जब टोक्यो में सरबुलंद होगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि वसाइल महदूद हैं, हमारे पास हालात इतने शायद अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन क्या क्या कहते हैं महदूद वसाइल के साथ भी हमने एक बार फिर ये साबित किया है कि हमारे पास टैलेंट है और टैलेंट जो है वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता, चाहे आप उसको कितना भी क्यों ना दबा लें। तो हैदर अली ने डिस्कस में पास, और ये वो मनाजिर है, क्या ही देख रही है आपने उनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देखें फैसल। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ और हमारी टीम हमेशा से चीज़ को बहुत प्रमोट करती है कि टैलेंट को इज्जत दें, टैलेंट जो है उसको प्रमोट करें। हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू टैलेंट प्रमोट करने की जितनी कोशिश कर सकते हैं हमारी टीम करती है, लेकिन टैलेंट को प्रमोट करना, उसको इज्जत देना, ये सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसे फैसल आपने कहा ना, महदूद वसाइल में ये ट्रेनिंग करते हैं, एक जज्बा जो इनके अंदर होता है वो जज्बा सिर्फ एक चीज़ का होता है कि 100 लोग हों या फिर बहुत बेशुमार लोग हों उस सफ में, अगर हमने नाम रोशन करना है तो पाकिस्तान का करना है, पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाना अच्छा, है। अगर इनकी जो एंडेवर के बारे में हम बताएं तो एक तो उनका भी पर्सनल बेस्ट था, वो उन्होंने क्रॉस किया और पूरे कंपटीशन में ही ये सबसे आगे रहे। पर्सनल बेस्ट हैदर अली ने मारा है जी फाइनल्स में, और वह 55.26 मीटर की इन्होंने डिस्कस थ्रो फेंकी है। और ये मैं आपको बात बताऊँ, एक और सितम जरीफी, वो ये है कि जो एथलेटिक्स में हिस्सा लेते हैं हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में, ये उन्हें पता है कि डिस्कस थ्रो क्या होती है, जेवलिन थ्रो क्या होती है, शॉर्ट पुट क्या होता है, हाई जंप लॉन्ग जंप ये सारी क्या होती हैं। वो वक्त आ गया है, अब एक बार फिर 10 बदस गुजारिश है उन तमाम तर हुक्काम बाला से कि खुदारा आपके पास टैलेंट ही टैलेंट है। जब आपने कुछ अर्से पहले तला तालिब को भी देख लिया, उनकी भी हमने सिचुएशन देखी कि किस तरीके से वो महदूद वसाइल के साथ ट्रेनिंग करते हुए 5वें नंबर पर आए, और फिर अरशद नदीम भी कि जब वो फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, फाइनल में भी तगड़ा उन्होंने मुकाबला दिया। तो और अब बिल आखिर आप ये देखें कि सिर्फ 2 एथलीट्स गए थे, पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ 2 एथलीट्स पैरालंपिक्स में से गए, लेकिन ये कहते हैं ना कि मिट्टी नम भी है, जरखेज भी है। हमने कल ही हैदर से बात की थी, हम पहले सुन लेते हैं, पहले तो वो आपको सुनवाते, याद करवाते हैं। कंपटीशन तो बहुत टफ है क्योंकि इसमें काफ़ी कंपटीटर तो बहुत यानी कि अच्छे हैं, उसमें जैसे इंग्लैंड है, चाइना है, जापान है, ब्राज़ील है, यूएसए है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल जीतूंगा।
हैदर ने पहले ही बता दिया था कि वो किसके अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, और ये कोई मतलब छोटे ममालिक नहीं थे, ब्राज़ील, यूएसए, इतने बड़े बड़े नाम, और ख़ासतौर पर जब यूएसए का नाम आता है वो तो मेडल टेबल में सबसे आगे आगे जाता है, चाइना सबसे आगे आगे जाता है, ब्राज़ील भी बिल्कुल भी पीछे नहीं, द स्पोर्ट्स लविंग नेशन, लेकिन इन तमाम तर अकवाम में अगर हमारा लड़का गोल्ड मेडल ले जाता है ना, तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि क्योंकि हैदर के लिए ये पहला मेडल नहीं है, पहला गोल्ड है, लेकिन इससे पहले भी वो दो मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं रियो में, वो भी लॉन्ग जंप में। वो बिल्कुल अलग इवेंट था, अलग खेल था, लॉन्ग जंप में उन्होंने मेडल्स बैक किए, इस बार डिस्कस थ्रो में किए, और उम्मीद हम यही करते हैं कि अब जब ये वापस आएंगे, एक तो सबसे पहले इनको अपने शो में बुलाएंगे, ये हम क्रेडिट लेते हैं, नया दिन ये क्रेडिट लेता है कि जब एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स और कोई भी पैरा ओलंपिक्स पे जो है वो फोकस नहीं कर रहा था, तो हमने कहा कि नहीं जी, ये भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारी बहन है जो इनके साथ गई थी, आपको याद होगा उनका भी हमने इंटरव्यू किया था, तो प्राउड 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 मोमेंट। आज की जो सुबह जा बहुत ही जबरदस्त हुई, शानदार हुई, और जब ऐसी ऐसी खबरें होती हैं ना, तो आप यकीन करें कि दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे आपने कहा ना कि दो ही लोग थे, और जब हमने कहा कि हमारी बहनें जो हैं वो जाती हैं, तो जनाब हम ये बार बार कहते हैं खेल जो है वो दिलों को मिलाता है, वो जोड़ता है, तो प्लीज़ हमें अपने मुल्क में मौजूद खेलों के मैदानों पर फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास, अगर हम ये कहते हैं ना कि टैलेंट नहीं है, तो ये तो अब गलत है, ये बात बहुत पीछे रह गई है, टैलेंट बेशुमार है। हमने करना ये है कि हमने उस टैलेंट को इज्जत देनी है, उस टैलेंट को सपोर्ट करना है, उन्हें वो तमाम तरह सहूलियात देनी है कि जो इन्होंने महदूद वसाइल में रहते हुए किया ना फैसल, हम कल को ये देखें कि हम कहीं के एक नहीं, ना जाने हमारे कितने पाकिस्तानी बहन भाई ऐसे हैं जो कि गोल्ड मेडल अपने सीनों पर सजाए, हमारा नाम रोशन पाकिस्तान में, और इससे सब अग्री भी करेंगे कि रॉ टैलेंट की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। सड़क पे खेलता हुआ लड़का वसीम अकरम बन जाता है और दुनिया में तहलका मचा देता है। सड़क पे खेलने वाला जहांगीर खान आज तक जिसको कहा जाए कि मिलेनियम का सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन है, क्यों, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं जीत सका है। तो जब हमारे पास रॉ टैलेंट इतना ज़्यादा है, तो समझे कि जब ये इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट इसको किया जाएगा, तो क्या ही धूम और क्या ही तबाही मच जाएगी दुनिया में। हम कोशिश करेंगे, गालिबा कुछ देर बाद सेरेमनी है, मेडल सेरेमनी, अगर तो वो भी बराह रास्त आती है, ओके, हम मेडल सेरेमनी, अब हम हैदर से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जैसे हमारा राबता होता है हम उनसे गुफ्तगु भी करेंगे, जज्बात, उनके एहसासात, वो फील क्या है जब वो अब पता चला कि भाई मैं अब गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका हूँ, वो सारा कुछ जो है हम पूरी पूरी कोशिश है हमारी कि वो हम आपके सामने रखें, क्योंकि हैदर का हक बनता है भाई, वो हमारे भाई हैं, इस कौम के बेटे हैं, और इस कौम के बेटे ने जब मेहनत की हो तो फिर मेहनत का फल इस सूरत में मिलता है, और ये चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है कि मसाइल महदूद है, कोई अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपने हिम्मत और हौसला नहीं हारना, क्योंकि जो हिम्मत और हौसला नहीं हारते, ये मैदान उन्हीं के नाम होता है। बिल्कुल, तो हम एक बार फिर बहुत बहुत तमाम कौम को मुबारकबाद देते हैं, और कौम जो आगे ज़्यादा सो रही होगी, जब उठेगी तो उन्हें पता चलेगा कि जी कोई उनके लिए गोल्ड मेडल ले आया।